नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से चर्चा करेंगे बैंक निफ्टी की। थोड़ा सा सिमिलर टाइप का एनालिसिस रहेगा, उसमें भी जो सेटअप जो रूल्स हम निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं मंडे के लिए, वही आपका बैंक निफ्टी में रहेगा। सिमिलरली चीजें दोबारा रिपीट ज्यादा नहीं करूंगा मैं। ये आप देखेंगे फ्राइडे को हाईएस्ट क्लोजिंग मिल हमको मिली है, हाईएस्ट हाई हमको वेडनेसडे को मिला था 42,000 समथिंग का। तो सिमिलर सेटअप पे सिमिलर रूल्स पे ये वाला हाई एक बार ब्रेक होना चाहिए 42,000 के आसपास जो बना है। चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, वो आपको ध्यान देनी है कि जब हम यहाँ पहुंचेंगे 42,000 के आसपास, ठीक है, जो कि मुझे 90% उम्मीद है बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल के आसपास जरूर जाएगा। और ये एक आप देखिए कितना बड़ा, मैं अगर इस जोन को मार्क करूं, ठीक है, यहां पे बहुत ही मजबूत सपोर्ट के तौर पे इसने काम किया। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेज आप कह लीजिए, इस रेंज में जाके ये ऊपर 42,000 और नीचे 41,800। तो 42,000 के जैसे ही आपको आसपास मिले, टेक एग्जिट फ्रॉम योर बाइंग पोजीशन, ठीक है, टेक एग्जिट फ्रॉम योर बाइंग पोजीशन। अब बात आती है बैंक निफ्टी जो आजकल गैप अप गैप डाउन बहुत कर रहा है, अगर खुलता ही इस रेंज में 42,000 से 41,800, डोंट डू एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट को छेड़ना ही नहीं है, आपको देखना है कि मार्केट की बैंक निफ्टी 42,055 इस लेवल को तोड़ता है कि नहीं। इस लेवल के ऊपर कोई भी सिंगल 5 मिनट की कैंडल, ये मैं बात कर रहा हूं जब गैप अप ओपन होता है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती हो, कीप योर एसएल एट 42,000 एंड बी ऑन बाय साइड। फिर ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करके फिर ये इस टेरिटरी में आने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद जो टारगेट निकल के आते हैं 42,250, 42,330 and 42,470 के आसपास, ये रटे रटाए लेवल है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इन कैंडल्स को आप देखेंगे तो ये लेवल्स आराम से निकल जाएंगे, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी है, कोई उसका दीन ईमान धर्म है नहीं, 50 पॉइंट तो वो मजे मजे में झूमता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये सिनेरियो है जब मैं गैप अप की बात करता हूँ कि भाई मार्केट खुलता ही 41,800 42,000 के नीचे। सिंपल अगर हम बात की जाए, फ्लैट ओपनिंग की बात की जाए, बिंदास बाय करिएगा एसएल 41,335, ये एसएल के साथ बाय करिएगा अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है एंड 42,000 के नियर एग्जिट लीजिएगा। सेम प्लान आपको फिर फॉलो करना है जो मैंने अभी से पीछे बताया, लेट इट क्रॉस 42,055 और रिवाइज योर एसएल है 42,000, ठीक है। ये तब की बात है जब एग्जिट ले लेते हैं फ्लैट ओपनिंग। ये है पूरा का पूरा बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है मुझे, और इसमें अगर ये पैटर्न बनता है तो इट माइट गो टू 43,000 प्लस नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट इसके लिए हमको क्लोजिंग चाहिए 42,250 के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो डेफिनेटली फिर ये इसका जो अपर बैंड है, इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद नियम कायदे के हिसाब से ये अपर बैंड को छूने के लिए जाए, बट लेट इट क्लोज उसके ऊपर क्लोज होने के बाद, क्योंकि ये डब्लू बनने की पूरी मुझे थोड़ी सी तैयारी दिख रही है। अब डब्लू ये हो सकता है यहीं तक बने, ठीक है, 42,700 या 42,800 है, जब भी डब्लू ये क्रॉस होना चाहिए लेवल आपका 42,000, 40,000, 50,000 के आसपास, इस चीज का ध्यान रखें। अब बात आती है कि भाई कोई न्यूज आ जाती है, कुछ आ जाता है, देखिए अडानी के स्टॉक ऊपर चलेंगे बैंक निफ्टी भागेगा, ठीक है, ये और बैंक निफ्टी पहले भाग जाएगा, अडानी के स्टॉक बाद में चलेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी और अडानी का भी जो है रिलेशनशिप रहेगा। अगर बैंक निफ्टी तेज है, अडानी के स्टॉक को आप थोड़ा सा ठोकिए,
ठीक है, उनमें सेल करके ट्रेड नहीं करना। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो अडानी के स्टॉक भी नीचे की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी पहले गिरना चालू कर दे, ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखो। किस दिन क्या न्यूज निकला है, कुछ निकला है, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में सचेत रहिए। सेल करेंगे हम लोग इसको ओनली एंड ओनली बिलो 41,200। जब तक इस लेवल को ना ब्रेक करे, हमको सेल के बारे में सोचना नहीं है। 41,200 के नीचे जाता है विद SL 41,345, 140-45 पॉइंट का SL लेके इसको सेल मारना है। और इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल, जब भी मैं कोई लेवल बोलता हूँ उसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस बोलता हूँ, इसके नीचे सेल करिए। ये है हमारा प्लान बी, ठीक है, जो कि मार्केट में देखिए जो हमें लग रहा है, वो मुझे लग रहा है 80-90% ये वाला हाई ब्रेक होना चाहिए। अब बचे 10-5% जो कि मार्केट को हम हमेशा देते हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए ट्रेड करने के लिए 41,200 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये SL रखिए, नीचे की तरफ सेल मारिए, फिर मार्केट दोबारा से ये लोज पे आने की तैयारी करें। क्योंकि देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने के नीचे के लेवल थोड़े छोड़ के आए हैं, गाड़ी पलट सकती है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। ये इतना नीचे आया है और ठीक है, इसको एक बार 39,300 के आसपास आना चाहिए था, यहां तक, यहां, ठीक है, ये कैंडल का जो मैं आपको हाई बताता हूं, ये कैंडल का हाई है 39, देखिए यहां देखिएगा आप 39,061, इधर तक एक बार आना चाहिए था इसको, ठीक है, जो मेरी स्टडी बोलती है। और ऐसे ही निफ्टी में, निफ्टी में 17,325 या वैसे तो लेवल 17,328, ठीक है, मोटा मोटा 17,325, इसके आसपास एक बार निफ्टी को आना चाहिए था। और बैंक निफ्टी को भी ये जो कैंडल है ना, ये जो गैप बना हुआ है खामोखा, इस यहां तक एक बार आना चाहिए था 39, ठीक है। तो ये चीजें पेंडिंग है, ये दिमाग में रखनी है, पर इनके लिए ट्रेड कब लेना है वो मैंने आपको बता दिया। इससे पहले जो मैं चर्चा कर रहा था, वो चर्चा कर रहा था कि 40,500 के नीचे रहता है तो सेल साइड बने रहिए, इस लेवल के ऊपर सेल करने का नहीं सोचो, ठीक है। अब मंडे के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 41,200 के नीचे रहता है तो सेल का सोचना है, नहीं तो सेल का नहीं सोचना। ये जो दो कैंडल बनी है, अब ये एक बार यहाँ पे डब्लू पैटर्न शायद बने, मतलब 42,500 प्लस एक बार हमको बैंक निफ्टी दिखे, ठीक है। तो ये चीज कब वैलिड है, जब तक बैंक निफ्टी 41,200 के ऊपर ट्रेड कर, समझ गए दोस्तों। इस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है, लेवल्स को इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करके चलना है, अपने व्यू के हिसाब से ट्रेड लेना है। तेजी कर रहे हो तो दो प्रकार से तेजी की जा सकती है, इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, और इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक हो जाना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट हमको जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 41,600 का इमीडिएट, सॉरी रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 41,200। तो ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, इसके ऊपर जब तक रहता है बाय करके चलिए। और आप और भी सेफ होना चाहते हैं, 41,600 को ब्रेक होने दीजिए, बट मार्केट में 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे गैप अप आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने सीन सिनेरियो आपको बताया उन पर फोकस करिए। अगर गैप अप होता है तो 41,600 को सपोर्ट मान के ट्रेडिंग करनी है आपको, इसके ऊपर खुलता है तो, फ्लैट खुलता है तो भाई 41,200 के आसपास आपका SL है 150-200 पॉइंट का, बी ऑन बाय साइड, मार्केट हमको 42,000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल मंडे में। थैंक यू वेरी मच।